Everything is difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? Cause I don't got a clue. आयशा गुलालाई हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा जी, एक इंटरव्यू में आपने कहा कि आप अवाम का फायदा सोच रही हैं, अवाम के फायदे के लिए आपने इतनी तौहीन भी बर्दाश्त की। आपने एक और इल्जाम लगाया चेयरमैन तरीके साफ इमरान खान पर कि वो ड्रिंक करते हैं। अगर वो ड्रिंक करते हैं, 2013 से आपने ये मैसेजेस वाला सिलसिला भी आप डिस्क्लोज किया, ड्रिंक करते हैं, तो अगर आप अवाम का इतना ही फायदा चाहती थी तो आपने ये पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि इमरान खान साहब अगर ड्रिंक करते हैं तो अभी आप बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि वो तो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जब एक इंसान अपने होश में ही नहीं होता तो कैसे वो लीड कर सकता है मुल्क को? आपने पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? या पहले जो ये सारे तहफ्फुज़ात से पहले आपको आगाह करना चाहिए था। 2013 से अब तक उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो ये बात है कि मेरे जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद मेरे नाम से बहुत सारे जाली ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स बने जो कि मेरे नहीं थे। उसके ऊपर इस किस्म की बातें की गई, ऐसी बात मैंने कभी भी नहीं कही और ना ही मुझे उनके घर के अंदर के हालात का पता है। मुझे कभी भी उनके घर के अंदर के हालात का नहीं पता। मुझे उन्होंने जो गलत करामात की उसकी बात मैंने की है। आपने कभी नहीं कहा कि इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की ना मुझे? ठीक जी, मैंने कभी बात नहीं की। और ये कुछ जाली ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट्स मेरे नाम से बनाए गए, उनके ऊपर गलत बातें मुझसे मंसूब की गई। मेरा जो अपना फेसबुक अकाउंट है वो है आयशा गुलाले वजीर डॉट पीके। इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, 44,000 लाइक्स हैं इसकी। और ट्विटर अकाउंट मेरा है वजीर डॉट गुलाले, वजीर अंडरस्कोर गुलाले। तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। तो मैं तो आवाम से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऐसी चीजों के ऊपर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मेरे नाम से बहुत सारी बातें बनाएंगे, तो ऑफिशियल जो मेरा अकाउंट्स है उनके ऊपर आप देखें जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं।